नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी मनाएगी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन की अर्पित। फोर लेन के कारण ऑट में 32 दुकानदार सड़क पर पहुंचने की कगार पर, जमीन खाली करने के लिए प्रशासन के रवैये से नाखुश। सोलन में पुलिस विभाग की क्राइम बैठक का किया गया आयोजन। जिले में बढ़ती यातायात दुर्घटना पर रोक लगाने के बारे में विस्तार पूर्वक से की गई चर्चा। और 2 से 6 जनवरी 2018 तक पर्यटन नगरी मनाली में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल। उत्सव के सफल आयोजन को लेकर कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिमला के रिज मैदान पर स्थित उनकी प्रतिमा के पास नगर निगम शिमला द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी भारत की एक महान महिला प्रधानमंत्री थी और वो एक दूरदर्शी और हर काम को हिम्मत और विश्वास के साथ करती थी। उन्होंने बताया कि आज के समय में हमें उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने की आवश्यकता है। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी का की तिथि है और आज हम मुझे सारा देश और सारा प्रदेश और यहाँ तक कि संसार उनको आज याद करता है। वह हमारे देश की एक महान नेत्री थी, महान प्रधानमंत्री थी, दूरदर्शी थी और जो भी काम करती थी बड़ी हिम्मत और विश्वास के साथ करती थी। मैं आज उनके चरणों में अपने सदा के सुमन अर्पित करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे सामने आदर्श रखा है वो हमेशा 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 हमारे देश को और प्रदेश को रास्ता दिखाए। इस अवसर पर नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट और अन्य गणमान्य लोगों और स्कूली बच्चों द्वारा भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं मंडी में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडी जिला कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा के नेतृत्व में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद किया व उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। रविवार को गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद किया व उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडी जिला कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जन्मतिथि पर याद किया है व उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है और उनके द्वारा किए गए योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ही देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और देश के विकास के लिए देश की एकता व अखंडता को अक्षुण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया। प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज पूरा भारतवर्ष जो है, प्रत्येक भारतवर्षी उनके द्वारा किए गए भारतवर्ष के लिए योगदान के लिए कृतज्ञ है। श्रीमती गांधी वो शख्सियत थी जिन्होंने भारतवर्ष को एक नई दिशा प्रदान की। वो एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिनको दुर्गा के नाम से भी जाना गया। श्रीमती गांधी जी ने जो राजाओं के प्रीवर्स थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था,
बांग्लादेश को रातों रात खड़ा करके बनाया और भारतवर्ष को जो है एक नई दिशा प्रदान की। भारतवर्ष का प्रत्येक वासी उनके योगदान को हमेशा याद रहेगा। श्रीमती गांधी वो शख्सियत थी जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी कहा कि उनके खून का एक एक कतरा जो है भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जीवित रखेगा। आज भी भारतवर्ष को जो है उनके कामों के लिए, उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए याद रखा जाता है। आज हम सब लोग जो है गांधी भवन मंडी में श्रीमती गांधी जी को उनकी सवीं जन्मदिवस के ऊपर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके द्वारा किए गए हमारे भारतवर्ष में जो नवनिर्माण के लिए योगदान है उसके लिए याद करते हैं। धन्यवाद। फोरलेन की जद में आ रही ऑट कस्बे की 32 दुकानें खाली करवाने के लिए पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम सदर ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय किराए पर दुकान चला रहे दुकानदारों में हड़कंप मचा गया है। कार्रवाई रोक। शनिवार को 2 दर्जन दुकानदार अपनी व्यथा सुनाने डीसी के पास पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। डीसी ने उन्हें अवगत करवाया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, क्योंकि प्रशासन को 22 नवंबर से पहले हाईकोर्ट में शपथ पत्र देना है कि उन्होंने पहले दिए निर्देश के तहत अवैध कब्जे हटाए या नहीं। डीसी की ओर से दी गई इस दलील से दुकानदारों को निराशा हाथ लगी और अब वे इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार बना रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लगभग 25 साल ने हम अवैध कर दिया जा है। हमारी दुकानों का मालिक डीसी है, क्योंकि ये दुकानें बचत समिति की बनी है, जिसका हम नियमित किराया तहसीलदार ऑट के पास जमा करते हैं, परंतु उनकी तरफ से कोई नोटिस तो नहीं दिया गया। लेकिन एनएचएआई ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक दुकानें खाली करने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए ऑट में उस समय दुकानदार पुलिस फोर्स लेकर दुकानों को खाली करने के लिए स्वयं एसडीएम पहुंच गई। वहीं दुकानदारों ने कहा कि हमारा परिवार इन्हीं बचत समिति के दुकानों से कमाई जाने वाली आय से चलता है, लेकिन अब हमें सड़क पर लाकर प्रशासन व सरकार न्याय नहीं कर रही है। ऑट के दुकानदारों का कहना है कि परिवार चलाने के लिए उन्हें अन्य फोरलेन प्रभावितों की तर्ज पर मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। दुकानदारों की मांग है कि उन्हें भू अधिग्रहण कानून 2013 के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन के तहत कहीं बसाया जाए और आजीविका कमाने के अवसर दिए जाएं, लेकिन प्रशासन ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। हर महीने किराया लेने के लिए पूरा फोर्स पूरी ताकत के साथ ये लोग आते हैं, पूरे प्रेशर के साथ आते हैं। जब आज बारी आती है कि यहाँ फोर लाइन आ रही है और तुम 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दुकानें खाली करो, इस विषय में हम डीसी साहब से मिलने आए थे कि आप हमारे विषय में सोचो कि लोगों का ये जो हमारे दुकानदारों का इतना सारा नुकसान हो रहा है, कईयों को ने कहीं से लेना भी है, कईयों ने देना भी है, ये एट अ टाइम लोग कहाँ जाएंगे। इस विषय में हम जब डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब ने भी कानून का पाठ पढ़ाकर हमारी किसी भी हेल्प करने से इनकार कर दिया है। इसलिए हम आगे सोच रहे हैं कि इस विषय में क्या किया जाए, और डीसी साहब ने सीधे तौर पे कहा कि हम कानून के बंधे हुए हैं और हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम 25 साल से ऑट में दुकान खरीदारी करते हैं और हमें अचानक आज डीसी साहब ने हमारे को धोखा दे दिया। हमारे को हम किराया देते हैं, सब कुछ देते हैं, कोई किराया ये नहीं हमारा, तो आज हम और आज हम घर से बेघर हो गए। न हमारे पास मकान है, न दुकान है, हम सड़कों पर आ गए। हमारे बाल बच्चे वगैरह भूखे मर रहे हैं, नौबत में आ गए। हम गुजारिश करते हैं कि हमें बसाया जाए, सरकार से बसाया जाए। भी हमको लोन तब दिया था कि आप, और हमने कर्जा लिया हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है उठाने के। अब 4 दिन रह गए, हम कहाँ जाए, हम तो भूखे की इसमें आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्तों, चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ मंडी टाउन, संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट एंड एचपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली। एडमिशन स्टार्ट फॉर बीएससी नर्सिंग ड्यूरेशन 4 ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 मेडिकल विद 45%। Few seats are vacant in state quota. Special scholarship for SC, ST and OBC candidates. So please contact
संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पीपीओ बिश्नी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। देश के साथ साथ प्रदेश में भी मनाएगी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन की अर्पित। फोर लेन के कारण ऑट में 32 दुकानदार सड़क पर पहुंचने की कगार पर, जमीन खाली करने के लिए प्रशासन के रवैये से नाखुश। सोलन में पुलिस विभाग की क्राइम बैठक का किया गया आयोजन। जिले में बढ़ती यातायात दुर्घटना पर रोक लगाने के बारे में विस्तार पूर्वक से की गई चर्चा। और 2 से 6 जनवरी 2018 तक पर्यटन नगरी मनाली में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल। उत्सव के सफल आयोजन को लेकर कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न। सोलन में पुलिस विभाग की क्राइम बैठक का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने की। बैठक में जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी, थानों से SHO और चौकी प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिले में बढ़ती यातायात दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बढ़ती हुई घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना व चौकी प्रभारियों को रात्रि के समय नाका व दिन को भी नाके लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि क्राइम बैठक से पूर्व पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी थाने चौकियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि सोलन में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए योजना बनाई गई है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस कड़े कदम उठा रही है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वोटिंग की फर्स्ट फेज खत्म हुई है हमारे स्टेट में, और EVM की सुरक्षा, इसके ऊपर भी इनको डायरेक्शंस दी गई हैं। वो जो इलेक्शन ECI की डायरेक्शंस हैं उसको मेटिकुलसली फॉलो किया जा रहा है। एक इनको डायरेक्शन दी गई है, कोई भी थाना चौकी में जो हम PC कहते हैं, पुलिस कंप्लेंट्स आए, उसको टाइम बाउंड मैनर से निकालें, और अगर उसमें कोई केस रजिस्ट्रेशन है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम उसमें केस रजिस्टर किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा जो हमारा शुरू से हमारा टारगेट रहता है उसके ऊपर डिस्कशन की गई। ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि अब हम फोकस करेंगे कि जो सिटी का ट्रैफिक है उसके लिए जो अल्टरनेट रूट्स या कोई भी हमें अदर मैकेनिज्म्स और सजेशंस जो हैं, इसमें जो DSP ट्रैफिक हैं उन्होंने स्ट्रेस देकर सबको डायरेक्शन दी कि अपनी सजेशंस दें और ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। रविवार को सर्वदेवता समिति जिला मंडी की कार्यकारिणी की बैठक प्रधान शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में मंडी स्थित भूतनाथ मंदिर के सभागार में आयोजित हुई। समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने बताया कि सभी कारदारों ने प्रशासन से आगामी शिवरात्रि 2018 में देवी देवताओं को स्वागत व सम्मान परंपरा अनुसार करने की मांग की। सर्वदेवता समिति जिला मंडी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने मीटिंग को लेकर बताया कि कारदारों ने मांग रखी कि राशन के भत्ते की राशि, मानदेय भत्ता और देवताओं की सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाना और चौहटा बाजार में आयोजित होने वाले चौहटा मेले के लिए उचित व्यवस्था करना जैसी विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिवपाल शर्मा ने बताया कि इन मांगों को लेकर प्रस्ताव उपायुक्त एवं अध्यक्ष शिवरात्रि मेला जिला मंडी को सौंप दिया गया है। आगामी शिवरात्रि में कैसे देवी देवताओं की जो आने का, चलने का और बैठने उठने का स्थान है, कहाँ निश्चित होगा, कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं, जैसे चौटा मेला है। चौटा मेला कई महीनों से हम इस डिमांड को उठा रहे हैं। अभी तक प्रशासन को हमने प्रस्ताव दिया, प्रशासन से हमारी बात हुई थी। प्रशासन ने कहा कि इलेक्शन के बाद ही इसमें हम चर्चा करेंगे, अभी इलेक्शन में हम बिजी हैं, तो हम अभी इंतज़ार करेंगे प्रशासन क्या बोलते हैं, कैसे इसको चलाया जाएगा। क्योंकि चौटा मेला हमारा प्राचीन मेला है और ये भूतनाथ से जुड़ा हुआ है, तो इसको सभी कारदार कहते हैं कि हमने इसको मनाना है, इसको बंद नहीं कर सकते। वहीं सर्वदेवता समिति जिला मंडी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने बताया कि समस्त कारदारों ने संस्कृति भवन देव सदन का निर्माण जो धीमी गति से चल रहा है, प्रशासन से इस कार्य को शीघ्र करवाने की मांग की, ताकि शिवरात्रि के दौरान देवी देवताओं को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल सके।
हमारा जो देव संस्कृति का जो कार्य, देव संस्कृति भवन का कार्य है, बड़े धीमी गति से चल रहा है। प्रशासन से अनुरोध है कि वो शीघ्र तैयार करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्त जिले एक और छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए के चैनल। सार्वजनिक सूचना, सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2017-18 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं की परीक्षा पास करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1/5/2005 से पहले तथा 30/4/2009 के बाद ना हो, छात्र छात्रा ने तीसरी चौथी एवं पांचवी कक्षा की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र से स्थित पाठशाला से की हो, यदि छात्र ने इन कक्षाओं में एक दिन भी किसी शहरी विद्यालय में अध्ययनरत किया है तो वह शहरी क्षेत्र से पात्र होगा। वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 में छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 8/4/2018 को जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन माध्यम का भी प्रावधान किया गया है। अभिभावक अभ्यर्थी आवेदन पत्र उक्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी जिस विद्यालय में कक्षा 5वीं से सत्र 2017-18 में अध्ययनरत है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से आवेदन पत्र अभी प्रमाणित कराकर प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में पावती प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिन्होंने जनसेवा केंद्र से पहले से ही सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया है उन्हें पुनः ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 25/11/2017 तय की गई है। आवेदन पत्र प्रत्येक गाँव में जनसंपर्क लोक मित्र केंद्र अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो में स्थापित केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pando.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही जमा करवा सकते हैं। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अपने पुत्र पुत्री का पंजीकरण नजदीकी जन सेवा केंद्र में करवाकर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोगी जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो की सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक डीके सिंह प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो डिस्ट्रिक्ट मंडी। दूरभाष नंबर 01905282046। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल 2018 2 से 6 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्सव के सफल आयोजन को लेकर मनाली प्रशासन ने पहली बार बैठक का आयोजन किया। बैठक में शरदोत्सव के विभिन्न प्रबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शरदोत्सव आयोजन समिति के उपाध्यक्ष एवं SDM हेमराज बैरवा ने शनिवार को समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के साथ बैठक करके उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में शरदोत्सव के विभिन्न प्रबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। SDM ने बताया कि आयोजन समिति इस महत्वपूर्ण उत्सव को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्सव के माध्यम से मनाली के पर्यटन उद्योग के विस्तार के साथ साथ स्थानीय लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार और विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर दिया जाएगा। SDM ने बताया कि लोक संस्कृति की विभिन्न विधाओं व अन्य गतिविधियों सहित कुल 16 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें स्थानीय महिला मंडलों व विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों की झांकियां, विंटर क्वीन प्रतियोगिता, रस्साकसी, लोक नृत्य प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल रहेगी। हर वर्ष की भांति हमारा जो विंटर कार्निवल होने वाला है उसके लिए हमने एक प्रिपरेटरी मीटिंग आज आयोजित की। इसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को हमने यहाँ पर बुलाया और सबसे उनके सुझाव मांगे। सुझाव में हमारे सामने यही बात आई कि हमारा जो भी इवेंट यहाँ पे होता है, खासकर उसमें जो महिला मंडल से संबंधित इवेंट है, उन इवेंट को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करें क्योंकि उससे अधिक पार्टिसिपेशन की झलक आती है और सब लोग को यहाँ पे जो हमारा जो लोकल कल्चर है उसकी झलक भी दिखती है। इसके अलावा जो बाकी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे होंगे उनमें हम टीम्स जो बुला रहे हैं,
टीम्स में जो भी डेडवुड है हम उसको निकालेंगे, और जो परफॉर्म करने वाली अच्छी टीमें हैं अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, उनको हम बुलाएंगे। इसमें हम NZCC जो हमारा नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर है वहाँ से भी हम जो आउट बाकी स्टेट्स हैं जिसका नॉर्मली हिमाचल से उतना लिंक नहीं होता, उन स्टेट्स की कोई कल्चरल प्रोग्राम अगर वो आयोजित कर सकते हैं तो उनको भी हम उस संदर्भ में पत्र लिखेंगे। इसके अलावा विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन का हमारा जो इवेंट होता है उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि विंटर क्वींस के जो जजिंग और जो उनका जो ग्रूमिंग का जो भी इवेंट हो, जो भी कार्यक्रम हो, वो एक विश्वसनीय तरीके से हो। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने आज ये बैठक की और सब लोगों से सुझाव मांगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमने लोगों से ये अपील भी की कि विंटर कार्निवल आप सभी का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, इसमें आप अधिक से अधिक मात्रा में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। वहीं आयोजन समिति ने इस बार दर्शकों के भरपूर मनोरंजन के लिए स्टार नाइट करवाने का भी निर्णय लिया है। SDM ने संबंधित विभागों व स्थानीय नगर परिषद के अधिकारियों के अलावा होटल एसोसिएशन व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी सभी आवश्यक प्रबंध पूरे करने की अपील की। उन्होंने बताया कि शरदोत्सव के सफल आयोजन के लिए उप समितियों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी उप समितियों के पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर तैयारियाँ आरम्भ कर दे और स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करे। चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार समूचे हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश हुई है और इससे थोड़ा सूखी ठंड से राहत मिली है, लेकिन अच्छी बारिश होनी चाहिए ताकि खेतीहर किसानों को इसका फायदा मिल सके और मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं था और कल बारिश हुई, थोड़ी बहुत हुई, इतनी नहीं हुई ना, और आज बादल है, देखो सही है, बारिश आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, लेकिन सूखी ठंड हो रही है। सारे क्या नाम है किसानों के लिए अच्छा है ये, क्या नाम बारिश हो रही है उनके लिए खुशी की बात है ये, ताकि उनको खेती बाड़ी करने के लिए पानी मिल सकता है। हम बारिश का ही मौसम है, अब क्या हो सकते हैं, सूखी ठंड भी ज़्यादा ठीक नहीं होती है और मौसम तो मीडियम ही है, लेकिन ये होता है ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी तो ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। वहीं मंडी शहर में भी शनिवार को जहां दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, वहीं सुबह के समय हल्की बारिश हुई और रविवार को भी मौसम का सिलसिला यूं ही चलता रहा और सुबह के समय आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। देश के साथ साथ प्रदेश में भी मनाएगी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन की अर्पित। फोरलेन के कारण ऑट में 32 दुकानदार सड़क पर पहुंचने की कगार पर, जमीन खाली करने के लिए प्रशासन के रवैये से नाखुश। सोलन में पुलिस विभाग की क्राइम बैठक का किया गया आयोजन, जिले में बढ़ती यातायात दुर्घटना पर रोक लगाने के बारे में विस्तार पूर्वक से की गई चर्चा। और 2 से 6 जनवरी 2018 तक पर्यटन नगरी मनाली में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल। उत्सव के सफल आयोजन को लेकर कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न।